मैं आज आपसे आग्रह करने आया हूं, वोट डालने से पहले 55 साल का कांग्रेस का शासन और 15 साल का बीजेपी का शासन पल भर के लिए जरा याद कर लीजिए। यहां जो बड़ी उम्र के लोग बैठे हैं, 35, 40, 50, 55, 60, 70, 80, आप जरा मन में सोचिए, वो दिन याद कीजिए जब घर में कोई बीमार होता था, गर्मी तेज होती थी और मन करता था पंखा चले तो मां की बीमारी में ठीक रहेगा, लेकिन बिजली नहीं आती थी, पंखा वैखा का वैखा लटका रहता था और बीमार मां परेशान रहती थी। वो दिन जरा याद करिए जब कांग्रेस की सरकारें हुआ करती थी। कोई गर्भवती मां तबीयत खराब हो जाए, जीवन और मृत्यु की लड़ाई लड़ रही थी और नजदीक के शहर में अस्पताल जाना था, 20-25 किलोमीटर का रास्ता काटना था, लेकिन पक्की सड़क नहीं थी गांव से और बड़ी मुश्किल से उस गर्भा बहन को लेकर के अस्पताल के लिए जान निकल पड़ते थे, लेकिन कच्ची सड़क पर ट्रैक्टर में बिठा करके अगर ले जा रहे हैं या खटिया में बिठा करके दौड़ करके ले जा रहे हैं और रास्ते में ही या तो बच्चा मर जाता, कभी मां मर जाते, कभी मां और बच्चा दोनों मर जाते, वो दिन कांग्रेस के रास्ते याद कीजिए, तब आपको पता चलेगा कि शिवराज जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली में बैठ करके क्या काम किया है उसका जरा हिसाब लगा लीजिए। भाइयों बहनों, आखिर सरकार किसके लिए होती है? क्या सरकार अमीरों के लिए होती है? अरे अमीर को तो अपने बच्चों को पढ़ाना है तो दुनिया की बड़े से बड़ी स्कूल में पढ़ने के लिए भेज देगा, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में जहां अच्छी स्कूल होगी रुपये पैसे डाल करके पढ़ने के लिए भेज देगा। गरीब को तो अगर बच्चों को पढ़ाना है तो सरकार की स्कूल पर ही निर्भर रहना पड़ता है और सरकार का दायित्व बनता है कि शिक्षा के लिए चिंता करे। अगर गरीब बीमार होता है उसका कौन, अगर अमीर बीमार होता है सारे डॉक्टर उसके घर के बाहर कतार लगा करके खड़े हो जाएंगे, स्पेशल प्लेन लेकर के अच्छे से अच्छे अस्पताल वो चला जाएगा। गरीब बीमार होगा तो उसका सहारा तो सरकारी अस्पताल ही हुआ करता है, उसके लिए कोई चारा नहीं होता है। अमीर को एक गांव से दूसरे गांव जाना है, खटार के स्कूटर लेके निकल पड़ेगा, मोटर बाइक लेके निकल पड़ेगा, कार लेके चल पड़ेगा। गरीब को जाना है उसको तो सरकार की बस आए उसका इंतजार करना पड़ेगा, अगर सरकार की बस नहीं आएगी तो वो अपने रिश्तेदार को मिलने के लिए नहीं जा पाएगा। और इसलिए मेरा ये मंत्र है कि सरकार गरीबों के लिए होनी चाहिए, सरकार सामान्य मानवी के लिए होनी चाहिए, सरकार जरूरतमंदों के लिए होनी चाहिए। और हमने कोशिश की है कि हमारी सरकार इस काम को पूरा करे।